का एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो वो हो गया था ना रदरफोर्ड का मॉडल, यस सर, तो उसका ड्रॉबैक भी बता दिए थे। क्या यस सर, था ड्रॉबैक बताओ, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? आज शायद फोर्थ लेक्चर है ना, कितना क्लास हुआ है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का याद है? सर शायद ये फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ है, चलो ठीक है। बताओ तुम लोग, रदरफोर्ड का क्या है ड्रॉबैक? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका ड्रॉबैक क्या था? डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में, कोई भी बताओ, किसी को भी अगर आता हो तो। He does not explain the stability of an atom. स्टेबिलिटी ऑफ द एटम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, रीजन? क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था स्टेबिलिटी बताओ? वो बताए थे लास्ट क्लास में डिटेल में, तुम लोग याद नहीं करते हो कुछ भी, जल्दी बोलो, कोई भी बोलो, किसी को भी आता है? ये तो फिर एक एक करके पूछेंगे हम, इसलिए बता दो पहले ही। अरे लिखाया गया था ना लास्ट क्लास में, ये तो एक्सप्लेन भी किए थे तुम लोगों को, पढ़ते नहीं हो घर पे? हेलो, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलोगे तुम लोग, आवाज नहीं जा रहा है क्या? सर आ रहा है। तो बताओ, इतने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बोलो हाँ या नहीं, कुछ आता है या नहीं आता है, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कुछ बोलो। फिर क्या मतलब है पढ़ाने का, फिर जब कोई आंसर ही नहीं कर रहे हो? स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, चलो ये तो बोल दिया, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन, क्यों नहीं कर पा रहा था स्टेबिलिटी, वो भी तो रीजन डिस्कस किए थे ना, क्यों नहीं कर पा रहा था, बताए थे या नहीं? हेलो, Yes. तो बताओ, कोई भी बताओ एक, क्यों नहीं कर पा रहा था? अरे हाँ या नहीं कुछ बोल दो, रेस्पॉन्स दो, आता है या नहीं आता है? सर एज पर द मॉड्यूल उसमें था कि ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो न्यूक्लियस के साइड में होता है, पर वो स्टेबल नहीं था, हमेशा न्यूक्लियर रिवॉल्व ही करते, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ही करते रहता था ऑर्बिट पे और एक्साइटेशन एनर्जी इमिट करता था। यही बताए थे सर वो न्यूक्लियस से, क्योंकि सर अगर स्टेबल रहता तो सर स्टेबल वो एक ही ऑर्बिट में घूमते रहता था, लेकिन वो न्यूक्लियस से नहीं टकराता था सर, ऐसा ही टाइप का कुछ। एसआई टाइप का, यही लिखोगे एग्जाम में? तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए ही थे, क्या सर बताया गया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में करता है, क्योंकि ये बोला गया था रदरफोर्ड में कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा, उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कल करेंगे, घूमेंगे सर्कुलर पाथ पे, जिसको ऑर्बिट्स बोला जाता है ना? तो एक थ्योरी ये है क्लासिकल फिजिक्स में, ये थ्योरी है क्लासिकल मैकेनिक्स में सॉरी, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो अगर वो सर्कुलर मोशन करता है तो हमेशा वहां पे एक वो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी क्या होगा, उससे बाहर निकलेगा। अगर एनर्जी धीरे धीरे उससे बाहर निकलने लगेगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम होगा ना उसका, तो कम होते होते एनर्जी, एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि एनर्जी कम होते होते वो इलेक्ट्रॉन को किसके साथ कोलाइड कर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड न्यूक्लियस कर, अगर
अगर ये ऐसा कोलिजन हो जाता तो फिर कोई भी एटम स्टेबल होता क्या? नहीं होता, तो मतलब ये ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए कोई भी एटम स्टेबल है, मतलब ऑब्वियसली ये फेनोमेनन नहीं हो रहा होगा तभी स्टेबल है। लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज, रदरफोर्ड जिस टाइप का मॉडल प्रेडिक्ट किया था उस मॉडल के हिसाब से ऐसा फेनोमेनन ऑकर करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, और उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इस चीज़ों, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ही कुड नॉट। ये तो बोल दिया था कि एटम स्टेबल है, मतलब दिख रहा था कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों स्टेबल है वो चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, ये लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट मॉडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोर्स मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा मॉडल है? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। दिख रहा है स्क्रीन सबको? Yes. चलो yes. तो उसको करेक्ट कौन किया था? बोर्स, नील्स बोर है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम नील्स बोर है। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक्स था उसको करेक्ट किया था बोर्स मॉडल में। अब इसके कुछ कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या क्या होता है इसका, लिखो। फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अकॉर्डिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स है। तो जो भी बोर्स रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक आ रहा था वो सारा करेक्ट हो जाएगा। ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। दैट इज, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ईच ऑर्बिट has a definite energy and is called shell or energy level. Shell or energy level, बात समझ में आ रहा है? ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व तो कर रहा है, बट वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट में है, उस तरह के बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए वो एनर्जी चेंज नहीं करेगा, वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। जैसे रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, वो बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो अगर घूम रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो उसको एनर्जी एमिट करना चाहिए, बट ये बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में घूमते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक एनर्जी या हर एक ऑर्बिट का एक डेफिनेट एनर्जी होता है, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। ठीक है, हर एक ऑर्बिट का, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो हर एक ऑर्बिट का जो होगा एनर्जी जो है फिक्स होता है, और इसीलिए उसको बोला जाता है दूसरा नाम, या तो शेल बोला जाता है, ऑर्बिट को शेल बोला जाता है, या फिर एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, क्योंकि उसका हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, वो फिक्स्ड है, एक सर्टन अमाउंट जो एनर्जी है उसका फिक्स्ड रहता है, और उस ऑर्बिट में अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी भी उतना ही हो जाएगा जितना उस ऑर्बिट का फिक्स किया हुआ है। तो वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए वो ना तो एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब एनर्जी उसका चेंज नहीं हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को एक्सप्लेन कर दिया या नहीं? वो बोला था कि एनर्जी एमिट करते रहेगा इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो धीरे धीरे उसका एनर्जी कम हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में घूमता है उसका एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, और उस ऑर्बिट में घूमते हुए वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है ना? तो फर्स्ट पॉइंट यही है इसका. सेकंड पॉइंट है इसका, दिख रहा है स्क्रीन तुम लोगों को? यस सर. चलो, कलर देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? बोलो, लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस सर. चलो, एन ऑर्बिट. सेकंड पोस्टुलेट है इसका कि एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेसिग्नेटेड एज के शेल एल एम एन शेल्स. ठीक है, और ऑर्बिट या एनर्जी लेवल को डेसिग्नेट किया गया अल्फाबेटिकल लेटर्स के साथ, जिसमें के शेल आया. पहले वाले शेल को बोला गया के शेल, फिर उसके बाद एल शेल आया सेकंड वाला, थर्ड हो गया एम शेल और फोर्थ हो गया एन शेल. ठीक है, अब यहां पे क्या है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये टोटल चार टाइप के सेल आ गए. अब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देखो न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएगा न्यूक्लियस से, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो उसका एनर्जी भी बढ़ते जाता है. तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा ना, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, तो उस एनर्जी लेवल को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. इट इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट. समझ में आ रहा है? ग्राउंड स्टेट हम लोग किसको बोलेंगे? जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा. तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो गया? के शेल वाला. क्योंकि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, एनर्जी क्या होता है हर एक शेल का? बढ़ते जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो इसलिए जो ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट हम लोग किसको बोलेंगे? जिस सेल का एनर्जी सबसे कम है, दैट इज के शेल. तीसरा हो गया एन इलेक्ट्रॉन emits or absorbs energy when it jumps from one orbit or energy level to another. ये बात समझ में आ रहा है? देखो, ये है थर्ड पॉइंट है ये कि किसी पर्टिकुलर, ये बताए थे इससे पहले कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में घूमते हुए वो ना तो एनर्जी, उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है? वो फिक्स होता है. तो उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी भी उतना ही होगा जितना उसका फिक्स किया गया है. बट जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड से मान लो जंप करके थर्ड में जाता है, या फिर सेकंड से जंप करके वन में आता है, इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हो सकता है. ठीक है, या तो वो हायर जिस ऑर्बिट में है अपने से हायर ऑर्बिट में जंप करके जा सकता है, या फिर जंप करके वो लोअर ऑर्बिट में आ सकता है. ठीक है, तो अगर वो हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है या लोअर में जंप कर रहा है, तो वहां पे हमेशा एनर्जी चेंज होगा. ठीक है, या तो एनर्जी वो एमिट करेगा या तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा. तो दो चीज होता है. ठीक है, या तो एनर्जी रिलीज करेगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि व्हेन इट जंप्स, ठीक है, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. तो जब भी ये हायर से अगर लोअर में जंप करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इट एमिट्स एनर्जी, वो एनर्जी एमिट करेगा, मतलब एनर्जी उससे बाहर निकलेगा. ठीक है, व्हाइल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और कब एब्जॉर्ब करेगा? जब व्हेन इट जंप्स from lower energy level to
हायर, ये बात समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है? तो ये ध्यान देना, जब भी लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर पे जंप करना हो, मान लो सेकंड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको जंप करके थर्ड में जाना है, तो वहां पे वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और मान लो अगर कोई हायर एनर्जी सेल में, मान लो थर्ड सेल में, उसको जंप करके सेकंड सेल में आना है, मतलब लोअर वाले में आना है, तो उस केस में वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना सबको पोस्टुलेट्स? Yes. कोई डाउट है किसी पॉइंट में? तो ये टोटल चार पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है? लिख लिए इसको? यस सर। यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग बोर्स मॉडल के हिसाब से ड्रॉ करें, तो जैसे यहाँ पे मान लो, चलो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है? जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है? बीच में न्यूक्लियस रहेगा सेंटर में, और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया n इक्वल टू वन, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ठीक है? ये ऐसे ड्रॉ करना, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट, ठीक है? n इक्वल टू थ्री आ गया, ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट, दिख रहा है सबको ना? यस। चलो तो ये मान लो, देखो ये एटम था, अब ये है, जैसे इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये है के सेल, पहला वाला जो सेल होगा ये के सेल होता है, दूसरा वाला जो सेल होता है ये एल सेल है, तीसरा वाला जो है ये एम सेल है, और चौथा वाला जो सेल है ये एन सेल है, ठीक है? तो ये टोटल चार सेल ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, जिसको यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, के सेल, एल, एम और एन। इसको हम लोग नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे सेल नंबर, तो के सेल वाला हो गया एन इक्वल टू वन, मतलब फर्स्ट सेल, ठीक है? एन इक्वल टू टू मतलब एल सेल हो गया, एन इक्वल टू थ्री मतलब एम सेल हो गया, एन इक्वल टू फोर मतलब एल एन सेल हो गया, के एल एम एन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा भी सेल्स होते हैं, एन इक्वल टू फाइव सिक्स अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है? लेकिन अल्फाबेटिकल में रिप्रेजेंटेशन जो अपने सिलेबस में, बस ये चार सेल के बारे में ही पढ़ना है हम लोगों को, के एल एम और एन, उसके बाद हायर वाला तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है? ये टोटल चार सेल हो गए, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। इन सबको हम लोग नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इक्वल टू वन हो गया, मतलब ये कौन सा सेल डिनोट कर रहा है बताओ तो? के सेल, ठीक है? उसी तरह टू एल सेल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना। इसमें एक टर्म आ रहा है ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट्स को अगर डिफाइन करना बोला गया, डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्बिट्स आर energy shells surrounding the nucleus, ये energy shell है surrounding the nucleus in which electrons जो हो रहा है ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ये लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो
इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है? तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? तो इसमें यह बोला गया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सेल में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, वो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज किया गया बताओ? तो फॉर्मूला क्या यूज किया गया? 2n2, ठीक है? किसी सेल में, जैसे फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2n2 से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n इज द ऑर्बिट नंबर, ठीक है? n ऑर्बिट नंबर हो गया, या फिर और एनर्जी लेवल, n का वैल्यू जो है एनर्जी लेवल इंडेक्स हो गया, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, 4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलेगा। समझ में आया? एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? एन जो है सेल नंबर डिनोट कर रहा है, इधर वो फर्स्ट सेल है या सेकंड सेल है, थर्ड सेल है। तो तुमसे अगर पूछा गया यहाँ पे एन लिख रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा उस सेल में, कितना हो सकता है, ठीक है? तो जैसे एन इक्वल टू 1 की अगर हम लोग बात करें, तो n इक्वल टू 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2n2, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। मतलब फर्स्ट वाले सेल में, k सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, ठीक है? सेकंड सेल में अगर पूछा गया तुमसे तो 2 × 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 8। थर्ड सेल में अगर पूछा गया तो 2 × 3 का स्क्वायर, ये 18। फोर्थ सेल में 32। तो अब यहाँ ध्यान देना, ये ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते रहेगा, मैक्सिमम 32 तक ही जा सकता है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 32 तक। तो ये अपर लिमिट है। टू फर्स्ट वाले सेल में 2, फिर सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 18, फोर्थ वाले में 32। अब ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 32 तक जा सकता है, ठीक है? ये ध्यान रखना कि अपर लिमिट इसका कितना होता है? 32। अगर फिफ्थ सेल में भी तुमसे पूछा जाए तो वहां भी 32 ही बोलो। एक्चुअली 32 तक ही अपने सिलेबस में रहता है, ठीक है? तो इतना ही हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। और सेल को देखो, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो तुमको ऑर्डर वाइज फिल करना है। मतलब जो सबसे लोअर सेल में है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर हायर सेल में। ऐसा नहीं है कि पहले, तो ऑर्डर में फिल करना है कि पहले फर्स्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, वो फिर फोर्थ वाले में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला फुल नहीं हुआ है, तो मतलब क्या करना है हमको कि फर्स्ट वाला फुल होगा पहले, तभी सेकंड वाले में जाना है। अगर सेकंड वाला पूरा भर गया तब थर्ड वाले में जंप करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सेकंड वाला आधा ही है और हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर दिए तीसरे वाले में। तो सब अगर फुल होते जा रहा है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं ये पॉइंट कि द इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसे लिखो कि द सेल्स आर ऑलवेज फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है? तो पहले लोअर में भरेंगे, वो अगर फुल हो गया तो फिर हम लोग हायर में जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है? अब यहां पे एक और इसी में ऐड कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन द नेक्स्ट सेल। कि नेक्स्ट सेल में तुमको तब तक फिल नहीं करना है अनलेस प्रीवियस सेल्स आर फिल्ड, जब तक कि उसके पहले वाला सेल जो है वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाता है। अनलेस प्रीवियस
सेल्स आर फिल्ड. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमको देखो, मतलब लोअर वाला सेल जो होगा जिसका एनर्जी कम है उसमें पहले जाएगा, फिर हायर वाले में जाएगा, और तुमको ऑर्डर में फिल करना है. ऐसा नहीं है कि लोअर वाला खाली ही रह गया, उसमें अब मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं गया और फिर हम लोग हायर में भर दिए. ठीक है, जब तक प्रीवियस वाला सेल पूरा फिल नहीं हो जाएगा तब तक हमको उसके हायर सेल में नहीं जाना है. बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बोर वरी रूल हम लोग फॉलो करते हैं. ये जो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट दिया था ये सारा बोर वरी का ही रूल है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इसके लिए हम लोग 2-8-8-18 वाला रूल फॉलो करते हैं. समझ में आ रहा है? 2-8-8-18 मतलब फर्स्ट वाले सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8 और फोर्थ वाले में 18. देखो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी थर्ड का 18 इलेक्ट्रॉन्स का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 8 ही यूज कर रहे हैं एक्चुअली. तो क्योंकि इस ऑर्डर में हम लोग देखो ना, इस ऑर्डर में एक्चुअली 18 तक हम लोग नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड है मतलब पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो उसमें देखोगे कि फर्स्ट वाला जो, अगर पीरियड देखो, पीरियोडिक टेबल देखे हो तुम लोग एलिमेंट का? Yes. पीरियोडिक टेबल तो उसमें देखोगे एलिमेंट्स जो है ये एक रो टाइप का बना हुआ होगा और एक ग्रुप टाइप का बना हुआ होता है ना. हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज्ड है और वर्टिकल कॉलम ग्रुप होता है, कॉलम्स बना हुआ है. तो रोज देखोगे, रोज टोटल कितना है? इस टाइप का अरेंजमेंट होगा. ठीक है, देखोगे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग रोज. ये ऐसे रो होगा और ऐसे कॉलम बना हुआ है ना, ऐसे टाइप का अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. तो रोज वाले को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको ग्रुप बोलते हैं. तो टोटल देखोगे ये पीरियड जो है 7 पीरियड्स होता है. पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितना है? 7 पीरियड, मतलब 7 रोज तुमको दिखेगा. और कॉलम अगर देखोगे तो कितने कॉलम टोटल काउंट करोगे तो टोटल कॉलम कितना मिलेगा? 18 कॉलम मिलेगा, है ना. तो उसमें देखोगे उसी के ऊपर ये बनाया गया है कि फर्स्ट वाले ग्रुप में अगर देखोगे, सॉरी फर्स्ट वाले पीरियड में अगर देखोगे तो सिर्फ दो ही एलिमेंट मिलता है हमको, हाइड्रोजन और हीलियम रहता है. सेकेंड वाले में देखोगे तो 8 एलिमेंट है. थर्ड वाले पीरियड में देखोगे तो 8 एलिमेंट्स है, और फोर्थ वाले पीरियड में 18 एलिमेंट्स. इसके बाद 32 एलिमेंट्स आ जाता है. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये अरेंजमेंट किया गया है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस रूल को बोलते हैं 2-8-8-18 वाला रूल. इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो हमको हाइड्रोजन का लिखना है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है तुम लोगों को? वन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, और मास नंबर ऊपर लिखते हैं. तो 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल? अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1. तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1 आ गया. हीलियम का अगर लिखना है हमको तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हो गया 2. अब फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन. अब लिथियम का अगर लिखना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 फर्स्ट, 3 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले सेल में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन तो वो नेक्स्ट वाले सेल में जाएगा, क्योंकि पहले वाले का मैक्सिमम कैपेसिटी 2. ठीक है, उससे ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि 3 भर देना पहले वाले में. चलो ये हो गया लिथियम का. जैसे मान लो हमको नियॉन का लिखना है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो तो? ऐसे तुम लोग 20 तक कर लेना. ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10. तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2,8 होगा ना, पहले वाले में 2 और नेक्स्ट वाले सेल में 8. अब जैसे इसके बाद सोडियम का लिखना है हमको, सोडियम का 11 होता है ना. तो 11 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें सोडियम में? 11. तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 2-8-1.
जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम सल्फर का लिख रहा है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ? 2, 8, 6, 6, ठीक है। क्लोरीन का लिख रहे हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 20 तक तुम लोग याद कर लेना, 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है, तो इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 7। जैसे मान लो इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं पोटेशियम का, पोटेशियम का होता है 19, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ तो? 39। एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 39 हो जाएगा? नो सर, 19 ही होगा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका क्या आ जाएगा? 2, 8, 8, 1, 8 और 1। कैल्शियम का अगर लिखना है हमको, कैल्शियम का 20 होता है, क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2। तो ये तुम लोग को 1 से 20 तक ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी ऑर्डर में हमको लोग को लिखना है। समझ में आ गया कैसे लिख रहा है? Yes. ठीक है, चलो तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 से 20 तक तुम लोग, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर लिख के सभी का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, ठीक है? लिख लोगे ना अपने से आराम से अब? Yes, sir. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखो ये रिप्रेजेंटेशन तो तुम लोग को आता है ना, जैसे मान लो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम एम सिंबल होता है Mg, और यहाँ पे आता है जैसे किसी एलिमेंट जनरल एलिमेंट का लिख रहे हैं, तो जनरल एलिमेंट को यहाँ ऐसे लिखते हैं, एक्स जो है इसका सिंबल डिनोट करता है ना, एक्स सिंबल डिनोट करता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेड जो कि एटॉमिक नंबर डिनोट करेगा, और ऊपर लिखते हैं ए, ये क्या डिनोट करता है? मास नंबर डिनोट करता है। जेड यहाँ पे क्या हो गया, जेड क्या डिनोट करेगा? एटॉमिक नंबर। और ए क्या डिनोट करता है? मास नंबर। तो ए मास नंबर डिनोट करता है, इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक्स क्या डिनोट कर रहा है? सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है, ये नोटेशन होता है। तो इसी तरह अगर मैग्नीशियम का हम लोग लिख रहे हैं, तो मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg, है ना? मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया? Mg। और इसका एटॉमिक यहाँ पे अगर 12 लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका 12 होता है, और मास नंबर इसका कितना होता है? 24। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाता है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 12। और मास नंबर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 24। और ये तो तुम लोग को पता है ना कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, अगर वो न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, या एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूट्रल एटम है तो, ठीक है? अगर क्योंकि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रल है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि न्यूट्रल है वो, है ना? न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो अगर ग्राउंड स्टेट में है कोई भी एटम, ठीक है, तो वो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल होगा मतलब उसके पास जितने प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को चार्ज कैंसिल आउट होगा, तभी तो ओवरऑल चार्ज जीरो होगा, ठीक है? ये हम लोग जो लिख रहे हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम लिख रहे हैं, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इक्वल होगा। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ, देखो जब भी एक होता है न्यूट्रल एटम होता है, एक होता है चार्ज एटम्स, तो एटम जब चार्ज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयंस बोलते हैं, तो दो टाइप का आयंस बनता है, एक या तो केटायन होगा या तो एनायन होगा, पढ़े हो ना? ये केटायन हम लोग किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले को, और एनायन किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले को।
तो केटायन या एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होता है। कभी भी देखोगे प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन का नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हो गया तो हमेशा देखो वहां पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिवली चार्ज केटायन बनता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभी अगर तुमसे पूछा गया तो ये तो न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे तो कोई केटायन एनायन नहीं है, है क्या? ये तो न्यूट्रल है ना, मैग्नीशियम। यस। तो मैं ये 12 और 14 यहाँ पे अगर तुमसे पूछा गया, और यहाँ पे मास नंबर क्या होता है, मास नंबर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मास नंबर जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आ रहा है? नंबर, मास नंबर सम होता है किसका किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, प्रोटॉन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। तो उन दोनों का अगर सम कर दोगे तो वो मास नंबर दे देगा। तो जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम में तुमको 12 और 24 है, यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 12, प्रोटॉन का नंबर 12, और न्यूट्रॉन का नंबर 12। तो ये भी क्या करेंगे हम लोग, मास नंबर में माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर 24 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो 24 माइनस 12 ये भी 12 भी आ गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर होता है 27। इसमें बताओ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, ये सब तो तुम लोग को बता चुके हैं। 13। हाँ, तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन हो गया 13, प्रोटॉन 13, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14। 27 माइनस 13 कर दोगे ये 14 आ गया। समझ में आ रहा है ना? ये न्यूट्रल एटम के केस में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अगर चार्ज एटम होगा तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं Al अब 3+ है, यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें तुमको निकालना है एटॉमिक नंबर, तो इसका 13 ही रहेगा, मास नंबर 17 ही रहेगा। अब यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन 10। क्योंकि देखो केटायंस आयन जो होता है दो टाइप्स का होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं आयन्स किसको बोलते हैं हम लोग, चार्ज्ड पार्टिकल को बोलते हैं आयन्स, यहाँ पे लिख रहे हैं आयन्स हो गया चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड स्पीसीज को हम लोग आयन बोलते हैं। अब ये चार्ज्ड स्पीसीज दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं केटायंस, पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, केटायन, और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, अनायन। अनायन। ये केटायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। केटायंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उसके ऊपर। और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज यहाँ पे देखो, अब ये केटायन है या एनायन है, Al3+ केटायन है, केटायन है, एनायन है वो, केटायन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक प्लस चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दो प्लस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, थ्री। तो अगर ये न्यूट्रल था तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल वाला केस देखे तो न्यूट्रल था तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका हो गया 10। प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा क्या, नो सर।
नहीं, प्रोटॉन का नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होता है, तो इसको हम लोग 13 बोल देते। चलो ये हो गया 13, और न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये 14। ठीक है, तो लॉस या गेन हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का ही होगा। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें बताना तुम लोग। एस सल्फर का 2 माइनस है, 16 और 32। चलो इसमें बताओ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया 18, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन 16। 32 माइनस 16 करोगे, ये भी 16 ही आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। चलो, तो एटॉमिक नंबर को अगर डिफाइन करने तुमसे कोई पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन अगर लिखना है तो इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ये लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही रहेगा हमेशा, वो कभी भी उसका नंबर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर। बात समझ में आया कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहेगा किसी भी एटम में, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, मास, ये जेड से। किससे डिनोट किया जाता है? जेड, कैपिटल जेड से। और दूसरा होता है मास नंबर। मास नंबर को डिफाइन कैसे करोगे, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स, हां द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट कहां पे, इनसाइड द, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ही पाया जाता है ना, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, ये तो पता है ना तुम लोगों को? यस सर। कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है उसके ऊपर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन प्लस क्या क्या मिलता है बताओ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए इनको कलेक्टिवली जो है, कलेक्टिवली इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्या बोलते हैं इनको, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स अगर बोला जाए तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कहीं भी न्यूक्लियॉन्स आएगा तो कंफ्यूज मत होना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कलेक्टिवली बोला जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। चलो, तो यहां तक अगर हो गया, इसमें एक दो चीज और है, जैसे एक दो टर्म आता है, एक होता है आइसोटोप्स होता है, एक होता है आइसोबार्स, सुने हो तुम लोग आइसोटोप्स और आइसोबार्स? yes. क्या होता है? yes, sir. आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, क्या है ये, एटम्स ऑफ
सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास बट डिफरेंट मास नंबर, इसको बोला जाता है आइसोटोप्स। एग्जाम्पल क्या क्या होता है आइसोटोप का? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसा हाइड्रोजन वाला हो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, दिख रहा है ना? सबका एटॉमिक नंबर तीनों हाइड्रोजन का ही एटम है, एटॉमिक नंबर सेम ही होगा बट मास नंबर तीनों का क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह कार्बन का भी होता है 6, 12 और 6, 14, है ना? इसी तरह और एग्जाम्पल तो क्लोरीन का होता है, जैसे 1735 होता है और क्लोरीन का 1737 होता है। तो ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है? तो ये सारे कॉमन, क्लियर है? तो आइसोटोप्स में ध्यान रखना एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब सेम एलिमेंट का एटम होगा, बट उसका मास नंबर क्या हो गया वो डिफरेंट है, ठीक है? दूसरा क्या होता है? आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होगा बताओ तो? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे सेम एलिमेंट, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो फिर एटम्स भी तो अलग अलग एलिमेंट का होगा ना, क्योंकि दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है क्या कभी भी? तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम क्या होगा यहाँ पे? मास नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे सेम हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड आइसो बार्स। बहुत सारे एग्जांपल है आइसो बार के, ठीक है? सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होगा? कार्बन का देखो 6C14 होता है एक आइसोटोप, और नाइट्रोजन का भी होता है 7-14। देखो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट का एटम है, एक कार्बन का है एक नाइट्रोजन का, बट दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है। इसी तरह आर्गन का भी होता है, आर्गन का देखोगे 18 और 40 होता है, और यहाँ पे कैल्सियम का भी देखते हैं हम लोग 20 और ये 40। देखो अलग अलग एटम का एलिमेंट है ना आर्गन और कैल्सियम, बट इनका मास नंबर क्या है? सेम है, ठीक है? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आइसोबार्स। तो ये तुम लोग का देखोगे मिल जाएगा ये सारा चीज, ठीक है? तो हाइड्रोजन का देखो तीन आइसोटोप होता है, एक 1, 1, 1, 2 और 1, 3। तो 1, 1 वाले को क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख दे रहा है 1, 1 वाले का नेम है, हाइड्रोजन का जो 1, 1 आइसोटोप है इसको बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है इसका नेम? प्रोटियम, ठीक है? 1, 2 वाले को क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम। और 1, 3 वाले को क्या बोला जाता है? ट्राइटियम। अब यहां बताना आइसोटोप्स में जो मास नंबर डिफरेंट आ रहा है वो किसकी वजह से डिफरेंट हो रहा है, किसके नंबर में चेंज हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा होगा, या प्रोटॉन का नंबर चेंज हो रहा होगा, या न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा होगा, बताओ तो? किस चीज का नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज होगा क्या? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहा है ना। आइसोटोप्स के केस में मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो मास नंबर में इलेक्ट्रॉन तो आता ही नहीं है, आता है क्या? नहीं। तो मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फिक्स रहेगा क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है आइसोटोप,
ये डिफरेंस जो आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, मास नंबर में डिफरेंस जो आता है वो किसकी वजह से आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आइसोटोप्स का जो होता है, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इनके सिमिलर होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि इसका ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहा है ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिसाइड किससे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो लॉस या गेन कर रहा है तभी उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहता है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि इनका मास नंबर चेंज हो रहा है। मास नंबर किसकी वजह से चेंज हो रहा है बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर चेंज हो रहा है तो उसका मास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आइसोटोप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज उन सभी आइसोटोप्स का क्या होगा, सिमिलर होगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। तो आइसोटोप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोटोप से रिलेटेड। लिख लिए सब लोग? यस सर। कोई डाउट है इसमें? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इसमें? आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया? नो सर। चलो, अब जैसे मान लो किसी किसी एलिमेंट का देखते हैं हम लोग, जैसे एटॉमिक मास अगर तुमसे पूछा जाए, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना लोगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग कितना लेते हैं बताओ। तो ये देखोगे हम लोग 35.5 लेते हैं। तो एक्चुअली ये 35.5 कैसे आता है, तो हम लोग देख चुके हैं कि क्लोरीन का जो होता है दो आइसोटोप प्रेजेंट है नेचर में। कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं क्लोरीन के? दो आइसोटोप, एक है 1735 वाला और दूसरा है 1737। ये हम लोग एग्जाम्पल अभी देखे थे ऊपर, है ना। तो 35 वाला जो है इसका नेचर में परसेंटेज जो होता है, नेचर में ये 75% अवेलेबल है, और 37 वाला जो नेचर में पाया जाता है ये कितना है, 25% है, ठीक है। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, क्या लिखोगे, 35 लिखोगे या 37 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों 35 क्यों लिखोगे, 37 वाला भी तो नेचर में 25% पाया जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को मिला के एक एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों का एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ना तो हम लोग 35 लिखते हैं ना ही 37 लिखते हैं, ये एवरेज हम लोग निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो 35 वाला जो है ये नेचर में कितना परसेंट पाया जा रहा है, 75। हाँ, तो 35 × 75 प्लस 37 वाला नेचर में कितना परसेंट पाया जा रहा है, 25। ये हो गया, दो ही आइसोटोप है इसका, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, टोटल परसेंटेज से। टोटल परसेंटेज दोनों मिला के कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा,
तो इसको देखो मल्टीप्लाई करके बताओ तो जल्दी से कितना आ रहा है। 35 × 75 करोगे कितना मिलेगा? 2625। और 37 × 25 करोगे? 920। और बाय 100 करना है हमको, तो इन दोनों का ऐड करो कितना आ रहा है देख लो, ये 3550 आ जाएगा और बाय 100 कर देंगे हम लोग, तो 3550 कितना बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा 35.5 लिख सकते हैं इसको, देख रहे हो ना। तो ना तो हम लोग 35 ले रहे हैं ना 37 ले रहे हैं, हम लोग क्या लेते हैं 35.5 लेते हैं। वो कैसे आता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया है, मतलब जितने भी सारे आइसोटोप्स हैं अगर उसका हमको परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अब कितना है, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना लिखोगे अगर डायरेक्टली सिर्फ क्लोरीन दिया हुआ है, तो हम लोग 35.5 AMU लेते हैं। तो ठीक है सर, ये सिर्फ क्लोरीन की केस में होता है ना? सारे केस में जिसमें आइसोटोप्स होगा अगर तुमको परसेंटेज पता है तो उसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट परसेंटेज तुमको पता होना चाहिए कि वो आइसोटोप जो है कितना परसेंट पाया जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो अगर आइसोटोप्स तुमको गिवन है और उसका परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकाल लोगे, तो जैसे क्लोरीन का हम लोग निकाले उसी तरह बाकी दूसरे एग्जांपल्स का भी निकालना है। समझ में आ रहा है ना, कर लोगे कैलकुलेट अब एवरेज एटॉमिक मास? यस सर। चलो तो ये सिंपल है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन। चलो तो ये तो हो गया ऑलमोस्ट, ये चैप्टर हो ही गया कंप्लीट, ठीक है। तुम लोग एक बार क्या करना है, इसका लास्ट एक और क्लास रख देंगे, उसमें डाउट क्लास रहेगा तुम लोग का। तो पहले होमवर्क तुम लोग का रहेगा इसमें, ठीक है। होमवर्क नोट कर लो कि एनसीईआरटी का पहले एक्सरसाइज तो कंप्लीट करना ही है। एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास? यस सर। एनसीईआरटी में जितना भी एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट कर लोगे पहले, और उसके बाद बुकलेट मिला है ना इसका? बुकलेट में कितने एक्सरसाइज है गिवन है इसका, देखो तो है बुकलेट पास में? पांच एक्सरसाइज है टोटल। यस सर, एक कॉलम की ऐड। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेना, और बुकलेट में देखो ऑब्जेक्टिव वाला जितना क्वेश्चन होगा ना पहले ऑब्जेक्टिव वाला करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला करके रखना, क्योंकि एक वीक के बाद ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब कर लेना। जो भी डाउट होगा ना वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन के लिए रखेंगे, एक क्लास और रखे हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो तुम लोग इतना पहले कंप्लीट करके रखना एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज और बुकलेट में जो भी ऑब्जेक्टिव है जितना भी, क्योंकि अगले वीक ही क्लास लगेगा अब एक क्लास, तो इसलिए तब तक कंप्लीट कर लेना। कर लोगे ना तब तक, एक हफ्ता तो काफी होता है, हो जाएगा या नहीं होगा? तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, बोलो। हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक डाउट क्लास ही रहेगा, तुम लोग बना के रखोगे, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना इस चैप्टर से, ये चैप्टर या फिर इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा है उन दोनों चैप्टर से मिला के भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन के लिए ही रखेंगे, तो एटलीस्ट ये बना के रखना तभी डाउट पूछ पाओगे, जब बनाओगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से आएगा, ठीक है ना? यस सर। चलो तो आज जितना पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? बोलो, किसी भी पार्ट में जितना भी चीज आज बताए हैं इसमें किसी भी पार्ट में किसी को डाउट है तो बोलो, है क्या? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
तो बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में हम डाउट ही डिस्कशन करेंगे सर। बनाए हुए नहीं रहोगे तो फिर क्लास अटेंड करने नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो सबको फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं कि एटलीस्ट इतना बना के रखना, तभी डाउट पूछ पाओगे, ठीक है? और किसी को पूछना है कुछ आज के क्लास से रिलेटेड? बोलो हाँ या नहीं? नहीं सर। किसी को भी डाउट नहीं है? अर्चिता? नो सर। चलो तो होमवर्क सब लोग कंप्लीट करके रखना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो चलो फिर तो एंड कर रहे हैं। ये बुकलेट, ये तुम लोगों को पीडीएफ भेज देंगे या लिख लियो? सर भेज दीजिए, सर भेज दीजिए, ठीक है? चलो तो एंड कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है?